नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, नाग पंचमी 2024 में कब है, पूजा विधि क्या है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूजा का मुहूर्त क्या क्या है, कई मुहूर्त होते हैं, तो ये सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से देने वाले हैं। दोस्तों, हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा का बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन नाग देवता के साथ शिव जी की पूजा करने से काल सर्प दोष जो है उससे समेत सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस साल पंचांग के अनुसार 9 अगस्त को नाग पंचमी मनाई जाएगी। मुख्य रूप से 8 नागों की पूजा की जाती है। कब है नाग पंचमी, तो देखिए, पंचमी तिथि की जो शुरुआत होगी वो होगी 9 अगस्त को सुबह 8:15 पर होगी। सुबह 9:15 पर होगी 9 तारीख को, और अगले दिन 10 को सुबह 6:09 पर समापन हो जाएगा। ठीक है, तो उदया तिथि को अगर आप देखें तो 9 अगस्त को ही नाग पंचमी का त्यौहार मनाना उचित माना जाएगा, भले ही 9 बजे से शुरू हो रही है। तो इसलिए 9 तारीख सबसे उत्तम है नाग पंचमी पूजा के लिए। और शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, सुबह में भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन 9 बजे के बाद, लेकिन उसके बाद जो है दोपहर 12:13 पर एक मुहूर्त शुरू होगा और 1 बजे समाप्त होगा। उस बीच में दोपहर में आप पूजा कर सकते हैं। और प्रदोष काल में नाग देवता की पूजा का महत्व है, तो 9 अगस्त की जो शाम है, शाम को 6:33 से 8:20 तक जो है आप नाग देवता की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है प्रदोष काल वाली, तो समय आपको बता दिया है, उस समय आप जो है पूजा कर लीजिएगा। आइए अब जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है, पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिए होती है। बहुत बड़ी पूजा नहीं करनी होती है हमको, तो नाग देवता की फ़ोटो या प्रतिमा आप, या फिर आटे से भी आप बना सकते हैं, या उनका दीवार पे आप चित्र स्थापित कर बना सकते हैं। दूध चाहिए होगा, फूल और पंचमेवा, पंचफल, बाकी दक्षिणा जो भी है, और चांदी का अगर आप नाग देव लाते हैं या तांबे का वो रख लीजिएगा, कुशासन, दही, दूध, देशी घी, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, ये सब भगवान भोलेनाथ की पूजा के जो सामान होते हैं ना, वो सब भी आपको लेने हैं उनकी पूजा करने के लिए। जो कि बाले, तुलसी दल, मंदार का पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख यानी गन्ने का रस, कपूर, धूप दीप, रुई, चंदन, शिव और माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि, क्योंकि नाग देवता के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा करिएगा। नाग पंचमी की पूजन विधि। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। जिन नागों की पूजा की जाती है उनमें है वासुकी, अनंत, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख, शेषनाग, इन सब मुख्य जो बड़े बड़े नाग हैं उनकी पूजा की जाती है। बाकी सब उनके वंशज माने जाते हैं, ऐसा कहते हैं। चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और अगले दिन यानी पंचमी के दिन आपको व्रत रखना चाहिए, और व्रत के समापन के बाद पंचमी की रात को भोजन किया जा सकता है, यानी एक समय आप भोजन कर सकते हैं। इस तरह से व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं। नाग पंचमी के दिन पूजा के लिए सबसे बड़े पहले तो लकड़ी की चौकी को से लेकर के मिट्टी से नाग देवता की प्रतिमा बनानी चाहिए। मिट्टी से बना दें, आटे से बना दें, या दीवार पे आप उकेर सकते हैं नाग देवता की आकृति। इसके बाद नाग देवता पर हल्दी, सिंदूर, चावल, सिंदूर मतलब जो रोली आती है, फूल और कच्चे दूध में घी चीनी मिलाकर नाग देवता का अभिषेक करना चाहिए। पूजा करने के बाद अंत में नाग देवता की कथा का पाठ करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। फिर दक्षिणा अर्पित करें और किसी गरीब को इस दिन दान जरूर करना चाहिए, इससे दोषों से हमको मुक्ति मिलती है जो भी होते हैं। महत्व क्या है, तो देखिए, पौराणिक काल से ही देवता के रूप में नागों को पूजा जाता रहा है, इसलिए इस दिन नाग पूजन का बहुत महत्व होता है। इस दिन नाग पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता है। इस दिन सर्पों को दूध से स्नान, पूजन, दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाने की भी परंपरा होती है। इस नागों से आपके परिवार की रक्षा होती है। अब इस दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के बाद ही पूजा करें और मंदिर में चांदी के नाग और नागिन से दूध से अभिषेक करें। उसके बाद जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा करने से जातक को राहु और केतु से संबंधित दोषों से भी छुटकारा मिलता है। काल सर्प दोष से तो होता ही है, राहु केतु दोषों से भी छुटकारा हमको मिल जाता है। मंदिर में नहीं तो घर पर भी आप कर सकते हैं। इस दिन चांदी के नाग नागिन दान करने से कामों में आ रही बाधा दूर होती है और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है।
इसके अलावा नाग देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पूजा के दौरान नाग देवता को दूध अर्पित करें, इससे भय दूर होता है और परिवार के सदस्यों को सुख शांति की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता और शिवलिंग पर दूध अर्पित करने के लिए तांबे के धातु से बने पात्र प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध चढ़ाने के लिए पीतल से बने पात्र को अच्छा माना जाता है। इसके अलावा नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से दूर रहें, ऐसा करना हानिकारक हो सकता है और नाग देवता इससे क्रोधित हो सकते हैं। नाग पंचमी पर क्या करें और क्या नहीं, तो नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध लावा चढ़ाना शुभ माना जाता है। अगर दूध पिलाना संभव ना हो तो किसी शांत एकांत स्थान पर जाकर के कटोरी में दूध और लावा रखाएं। नाग पंचमी पर भूलकर भी किसी सांप की हत्या ना करें। अगर इस दिन सांप दिख भी जाए तो दूर से प्रणाम करके रास्ता बदल लें, लेकिन भूलकर भी सांप को परेशान न करें। इस शुभ अवसर पर घर में या फिर मंदिर में रुद्राभिषेक करवाना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें और कच्चा दूध भी अर्पित करें। नाग पंचमी की कथा तो आपको दूसरे वीडियो मिल जाएगी, पर क्यों मनाई जाती है तो इसकी शुरुआत देखिए। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने के अर्जुन के पौत्र और महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उनके वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ किया। वह नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने की वजह से होने से बदला लेना चाहते थे। उनके इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था और नागों की रक्षा की थी। यह तिथि सावन की पंचमी मानी जाती है। सांपों को शीतलता देने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर दूध की धार डाली थी। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी तिथि को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग दंश का भय नहीं रहेगा। तभी से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी त्यौहार मनाया जाता है और सर्पों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में नाग पंचमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।